नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज फटिक टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। व्हाट इज फटिक, वेयर फटिक प्रॉपर्टी कंसीडर्स एंड हाउ टू टेस्ट फटिक प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आज की वीडियो में फटिक प्रॉपर्टी, फटिक टेस्टिंग और फटिक का उपयोग से संबंधित समस्त जानकारी हम जानेंगे कि फटिक क्या होती है और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और कैसे हम इसके लिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं फटिक क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं फटिक, तो फटिक का मतलब होता है जब कोई मटेरियल फेल होता है। किसके कारण? साइक्लिक लोडिंग के कारण। साइक्लिक लोडिंग, या हम बोल सकते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस। रिपीटेटिव का मतलब होता है कि कभी कंप्रेशन आ रही, कभी टेंसाइल आ रही, फिर कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो रही किसी ऑब्जेक्ट में, फिर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो जहां पे इस तरह की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, इस तरह की स्ट्रेसेस एक्ट होती हैं, वहां पे यदि मटेरियल फेल हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फटिक। मीन्स व्हेन द मटेरियल इज फेल ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग और रिपीटेटिव स्ट्रेस नॉन एच फटिक। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फटिक के नाम से जानते हैं। फटिक फेल्यूर्स जनरली इन्वॉल्व थ्री स्टेजेस। फटिक जो फेल्यूर होता है वो सामान्य तौर पे तीन स्टेजेस में होता है, क्रैक इनिशिएशंस, क्रैक प्रोपेगेशंस एंड फास्ट फ्रैक्चर। या तो फास्ट फ्रैक्चर होगा या धीरे धीरे क्रैक्स आएगा। ये हमारे तीन स्टेज होती हैं जब भी हम कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट फटिक के कारण फेल होता है या टूटता है। तो अब इसको कैसे टेस्ट करते हैं, इसकी टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। टेस्टिंग में जैसे कि यहाँ पे आपका फटिक टेस्टिंग मशीन है, फटिक टेस्टिंग मशीन है। फटिक टेस्टिंग मशीन्स में आपका जैसे कि ये वाली आपकी क्या है, मोटर है। मोटर जो कि है एक रोटेटिंग मेंबर्स है जो हमारे इसको घुमाएगी। इसमें यहाँ पे हमारा ये टेस्ट पीस लगा हुआ है जिसकी हमको फटिक स्ट्रेंथ निकालना है या फटिक टेस्टिंग करना है। इसमें हमारे दो मेन बैरिंग है, एक बैरिंग ए एम एन और एक बैरिंग आपका ए है। दिस इज आर टू मेन बैरिंग्स और इसके बाद ये हमारे लोड बैरिंग है, फर्स्ट और सेकेंड। तो लोडिंग बैरिंग के बीच में जब हम टेस्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद इसका जो कनेक्शन है ये हमारी मोटर की शाफ्ट से फ्लेक्सिबल कपलिंग के थ्रू क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है। अब इसके बाद हमारे टेस्ट पीस पे हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। जो कि आपको इस डायग्राम में आपका जो लोड है, लोड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपका लोड ये यहाँ से लोड आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो इसमें जो टोटल लोड है वो टोटल लोड हमारा कितना, डब्ल्यू टोटल लोड अप्लाई हो रहा है। और ये डब्ल्यू टोटल लोड अप्लाई होने के बाद ये हमारे जो ए वाले बैरिंग्स हैं, लोडिंग बैरिंग, यहाँ पे हमारा क्या है, ए वाला जो लोड है यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू होगा क्योंकि इन दोनों बैरिंग पे आधा आधा, क्योंकि ये सपोर्ट हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मीन्स डब्ल्यू बाई टू आपका इधर हो जाएगा और डब्ल्यू बाई टू आपका इधर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो टोटल लोड है वो आपका टोटल लोड कितना है, टोटल लोड आपका रहेगा डब्ल्यू। अब हम जब इसमें मोटर्स के लिए स्टार्ट करेंगे, मीन्स ये जो हमारा मैन बैरिंग पर लोड दिखाया गया है, ये मैन बैरिंग की जगह पे आपका जो लोड है ये हमारा क्या है, लोड बैरिंग पर लोड आएगा क्योंकि लोड बैरिंग से कनेक्टेड है। इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में आपका डब्ल्यू बाई टू मैन बैरिंग पे नहीं, लोड बैरिंग पे आएगा दोनों के, डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू बाई टू। अब यहाँ पे जो मोटर्स जब हम रोटेट स्टार्ट करेंगे तो मोटर क्या होगी, घूमेगी। तो मोटर की शाफ्ट जो फ्लेक्सिबल कपलिंग से आगे जुड़ी हुई है बैरिंग के थ्रू, लोड बैरिंग से हमारी टेस्ट पीस तक, तो इसमें क्या होगा कि जो टेस्ट पीस है, टेस्ट पीस हमारा क्या करेगा, हाई स्पीड से रोटेट करेगा। और इसके सेंट्रल पे जो हमारा है टोटल वेट लोड अप्लाई हो रहा है क्या, डब्ल्यू। तो जब ये घूमेगा तो जो अपर सरफेस है ऊपर की ओर, इसमें क्या आएगी, टेंशन आएगी। और जब नीचे आएगा, नीचे की ओर इसमें क्या है, कंप्रेशन आएगी। मींस ये घूमने के कारण हाई स्पीड से रोटेट हो रहा है और इस पर लोड अप्लाई है, तो जिसके कारण ये क्या करेगा, बेंड होने की कोशिश करेगा। इसमें बेंडिंग जो स्ट्रेंथ है वो जनरेट होगी, ये बेंड होगा। तो बेंड होगा तो कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यदि हम इसके नीचे की ओर यदि फोर्स लगाते हैं
तो ये क्या होगा, ऊपर से खिंचेगा क्योंकि टूटेगा, टूटेगा तो ऊपर से खिंचेगा, तो ऊपर क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, और जो नीचे है नीचे की ओर कंप्रेस होगा तो इसमें क्या होगी, कंप्रेशन स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो इस लोड के कारण क्या होता है कि जब ये रोटेट होता है और लोड के कारण इसमें क्या होता है, कभी मैक्सिमम टेंसाइल टेंशन आती है, कभी मिनिमम कंप्रेशन आती है। जैसे कि हम सेकंड डायग्राम की बात करें, सेकंड डायग्राम इसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें हम देख पाएंगे कि जो हमारा ये सेकंड डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपकी ये मैक्सिमम टेंशन है और यहाँ पे आपकी ये मिनिमम टेंशन है। तो मींस इसमें हम वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस को दिखा रहे हैं, मतलब लोड को दिखा रहे हैं। तो लोड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या स्ट्रेस कहलाती है, तो ये हमारी स्ट्रेस है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इसकी साइकिल को दिखा रहे हैं कि ये किस तरह से इसका साइकिल जो है एम्पलीट्यूड चल रही है, साइकिल बन रही है, ये किसके सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में इस तरह से लोडिंग हो रही है, इस तरह से रोटेट कर रहा है कि जिसमें कभी टेंशन आ रही है, कभी कंप्रेशन हो रहा है, कभी टेंशन आ रही है, कभी कंप्रेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन या कंप्रेशन, फिर मैक्सिमम टेंशन, फिर मिनिमम कंप्रेशन। तो इसके कारण जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट टूटता है, तो दैट इज फेल्ड ड्यू टू फटिग। किसके कारण, फटिग, क्योंकि इसमें हमारी या तो साइक्लिक लोडिंग हो रही है, या हम इसको बोल सकते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस इसके अंदर आ रही है कि इसको आप नीचे की ओर आपका लोड खिंच रहा है, तो और इसके सपोर्ट भी है, तो नीचे से दो सपोर्ट लगे हुए हैं और आपका लोड है और ऊपर से भी आपका आ रहा है, तो क्या होगा, ये हमारी ऊपर टेंसाइल आएगी, नीचे कंप्रेसिव आएगी, फिर टेंसाइल, फिर कंप्रेसिव, जिसके कारण एक कंडीशन ये आएगी कि एक समय बाद ये हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फटिग, ये कहलाती है फटिग टेस्टिंग। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसमें आप ऐसी एप्लीकेशंस को चूज कर सकते हो जहां पे इस तरह की लोडिंग एक्ट होती है। जैसे कि हम शाफ्ट की बात करें, कोई रोटेटिंग शाफ्ट हो गई, आप स्प्रिंग की बात करो, तो स्प्रिंग हमारे चाहे वो लीफ स्प्रिंग हो या कॉइल स्प्रिंग हो, कभी स्प्रिंग डिजाइन है टेंशन की पोजीशन में, जब इस पे जर्क लेगी गाड़ी सस्पेंशन, तो ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, इसके बाद फिर वापस टेंशन में आ जाएगा, फिर कंप्रेस हो जाएगा, फिर वापस में टेंशन में आएगा। तो यहां पे क्या हो रही है, रिपीटेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। रिपीटेटिव स्ट्रेस के कारण जब ये हमारे फेल होते हैं, तो इस जगह पे हम किसका, फटिग टेस्टिंग करना पड़ती है, फटिग प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाता है। और इसके बाद जैसे कि हम स्प्रिंग के बाद हम यदि शाफ्ट की बात करें, तो शाफ्ट भी हो गया। इसके अलावा यदि हम अपनी गाड़ी की सीट की ही बात करें, सीट का जो कवर है, कवर हमारा क्या है, बहुत अच्छे से टाइट सीट पे क्या है, फिट है, जब हम उस पर बैठते हैं तो कवर क्या है, खिंचेगा, उसमें टेंशन आएगी, क्योंकि वो नीचे की ओर सीट प्रेस होगी, तो प्रेस होगी तो क्या होगा, खिंचेगा, तो टेंशन आएगी, तो जो अंदर के सरफेस होगा उसमें क्या होगा, टेंशन होगी, और जो ऊपर का सरफेस है जिस पे आप बैठ रहे हो उसमें क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। तो इसके कारण यदि आपका कवर फट रहा है, तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं दैट इज फटिग। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हमारा इस तरह की लोडिंग एक्ट होती है, जहाँ पे इस तरह की रिपीटेटिव स्ट्रेस एक्ट होती है, उस जगह पे जब हम वो पार्ट या कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम फटिग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की फटिग स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम इसको अलग अलग लोडिंग पे टेस्टिंग करके डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस में क्या करते हैं, चेक करके फाइंड कर लेते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस को हम एवरेज स्ट्रेस निकाल लेंगे, एवरेज स्ट्रेस निकालने के बाद इसकी फटिग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम जो फटिग प्रॉपर्टी है, फटिग स्ट्रेंथ है, उसको फाइंड किया जाता है। थैंक यू।